हेलो फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडी चैटरलेस लवर की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। सो ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग होती है फिल्म की, और एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि कोनी जो है वो वीनस में वापस चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी सिस्टर हिल्डा से होती है और उनके वालिद से। हिल्डा कोनी को एक लेटर देती हैं जिसमें ओलिवर का जिक्र होता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि ओलिवर जो है वो स्कॉटलैंड में दोबारा वापस चले गए हैं। और उन्होंने लेटर में लिखा होता है कि जब कोनी हिल्डा से मिले तो हिल्डा उनको वो लेटर दे दे और उनको ये तंबीह करे कि वो वहाँ पर उनको ज्वाइन कर ले, यानी वो स्कॉटलैंड में उनको ज्वाइन कर ले। और जैसा कि लेटर में लिखा होता है, कोनी ऐसे ही करती है, जैसे ही उनको लेटर मिल जाता है अपनी सिस्टर हिल्डा से, तो वो ओलिवर को ज्वाइन करने स्कॉटलैंड में चले जाते हैं। आई होप कि आपको एंडिंग पसंद आई होगी। हेलो फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडी चैटरलेस लवर की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। सो ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग होती है फिल्म की, और एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि कोनी जो है वो वीनस में वापस चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी सिस्टर हिल्डा से होती है और उनके वालिद से। हिल्डा कोनी को एक लेटर देती हैं जिसमें ओलिवर का जिक्र होता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि ओलिवर जो है वो स्कॉटलैंड में दोबारा वापस चले गए हैं। और उन्होंने लेटर में लिखा होता है कि जब कोनी हिल्डा से मिले तो हिल्डा उनको वो लेटर दे दे और उनको ये तंबीह करे कि वो वहाँ पर उनको ज्वाइन कर ले, यानी वो स्कॉटलैंड में उनको ज्वाइन कर ले। और जैसा कि लेटर में लिखा होता है, कोनी ऐसे ही करती है, जैसे ही उनको लेटर मिल जाता है अपनी सिस्टर हिल्डा से, तो वो ओलिवर को ज्वाइन करने स्कॉटलैंड में चले जाते हैं। आई होप कि आपको एंडिंग पसंद आई होगी। हेलो फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडी चैटरलेस लवर की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। सो ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग होती है फिल्म की, और एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि कोनी जो है वो वीनस में वापस चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी सिस्टर हिल्डा से होती है और उनके वालिद से। हिल्डा कोनी को एक लेटर देती हैं जिसमें ओलिवर का जिक्र होता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि ओलिवर जो है वो स्कॉटलैंड में दोबारा वापस चले गए हैं। और उन्होंने लेटर में लिखा होता है कि जब कोनी हिल्डा से मिले तो हिल्डा उनको वो लेटर दे दे और उनको ये तंबीह करे कि वो वहाँ पर उनको ज्वाइन कर ले, यानी वो स्कॉटलैंड में उनको ज्वाइन कर ले। और जैसा कि लेटर में लिखा होता है, कोनी ऐसे ही करती है, जैसे ही उनको लेटर मिल जाता है अपनी सिस्टर हिल्डा से, तो वो ओलिवर को ज्वाइन करने स्कॉटलैंड में चले जाते हैं। आई होप कि आपको एंडिंग पसंद आई होगी।